हमारे साथ बहुत ही फेमस ब्लॉगर मनु देवरी मौजूद है। मनु देवरी फिर से स्वागत है आपको दैन टाइम्स में। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। कैसा लग रहा है दैन टाइम्स में आके? बहुत ही ज़रा अच्छा लग रहा है। पहले भी आ चुका हूँ और अभी भी आ रहा हूँ और आते रहूँगा फ्यूचर में भी। बहुत ही ज़रा अच्छा लग रहा है। अच्छा मनु देवरी, आप यहाँ पे 4 दिन से लगातार आ रहे हैं, हमने सुना है जी। लोग बोल रहे थे आपके बारे में जी। किसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस बार? देखिए, मेन थिंग हम लोग हिंदू समाज में सबसे पहले पूजा होता है गणेश पूजा। तो गणेश पूजा एक ऐसा पूजा है जो हम लोग का मतलब इसी पूजा से ही बाकी सबका पूजा होता है। तो हम लोग मतलब जितना मतलब कर्म करते हैं उतना हम लोग धर्म में भी हम लोग इतना ही मतलब गिरते रहते हैं। तो मेरा मुताबिक से दायनेर बहुत ही ज़रा छोटा एरिया है। यहाँ पे दूसरे लोग सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन हम लोग हिंदू धर्म में हम लोग रहे हैं और यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी लोग मतलब पूजा करने के लिए आते हैं। तो मेरा मुताबिक से हम लोग मतलब आना चाहिए, घर पर ऐसे बैठना नहीं चाहिए क्योंकि भगवान का दिन है तो हम लोग को इंजॉय करना है। ओके, एक आखिरी सवाल है क्योंकि आप खुद डांस करते हैं जी, तो आप इस इवेंट में आप हिस्सा ले रहे हो? देखिए, मेरा मुताबिक से हम लोगों ने डांस वगैरह बहुत ही ज़्यादा कर लिया। अभी मेरा मुताबिक से लगता है कि हम लोग का उम्र चला जा रहा है, तो अभी जो इनकमिंग जनरेशन है वो सभी लोग आ रहे हैं तो उन लोगों को मौका देना चाहिए। वो लोग मौका पे चौका मार रहा है तो मेरा मुताबिक से उन लोगों को मतलब थोड़ा बहुत नज़रअंदाज करके देखना चाहिए। तो वही मतलब दूसरे लोग कर रहे हैं, इनकमिंग जनरेशन को हम लोग देख रहे हैं कैसे वो लोग मतलब मेंटेन करके बैलेंस करके जा रहा है ना। तो वही, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। okay, यहाँ पे आप पहली बार दायन में आए हो और इस मौके में आए हो जहाँ पे पूजा का माहौल है, कैसा लग रहा है आप? सबसे आपका नाम पहले? मेरा नाम प्रीतम कुमार सेन है, मैं डामबुक से हूँ। डामबुक से हूँ, मैं एक टीचर प्लस ब्लॉगर हूँ और यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। मोनू बुलाया था, मोनू मेरा दोस्त एक्चुअली, तो फर्स्ट टाइम आया तो आज मौका मिल गया गणेश चतुर्थी का पावन अवसर पर गणेश जी को देखने का, तो मैं आ गया यहाँ पे मोनू के साथ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे दायन में आके पहली बार? आई एम फीलिंग ऑसम, बहुत अच्छा लग रहा है। गाँव का माहौल भी देख पाया यहाँ आके, सो फीलिंग ऑसम। आपसे मैं एक सवाल लूँगा, हमारे दायन में भी आजकल यूट्यूब का फेसबुक का बहुत क्रेज है, तो उन सबके लिए जो लोग शुरू करना चाहते हैं ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी फील्ड में अगर कोई चाहता है करने के लिए कोई भी काम तो कर सकता है। बस यंगस्टर्स को ये बोलना चाहूँगा बींग ए टीचर कि पहले अपना एजुकेशन को साथ साथ बढ़िया से रखें और साथ ही साथ अपना जो भी आपका हॉबीज़ है, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो या बाइकिंग करना चाहते हो, सिंगिंग करना चाहते हो, वट एवर यू वांट आप कर सकते हो, और अपना पढ़ाई को भी मेंटेन करें साथ ही साथ। आप लाइन में कब आए हो और कितने दिन के लिए आए हो? मैं आज सुबह आया हूँ, कल मॉर्निंग को चला जाऊँगा। एक्चुअली मेरा भी क्लास रहता है तो क्लास करना पड़ता है, मैं टीचर आफ्टर ऑल। आप असम से हो ना? नो नो नो, आई एम फ्रॉम डामबुक अरुणाचल प्रदेश। डामबुक रोइंग के पास है। अच्छा अच्छा, रोइंग के पास। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करते हुए और होपफुली हम लोग दोबारा मिलेंगे। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच।